ईएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए निकला नहीं निकलेगा भाड़ में जाए। 91 का एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद मंदिर गिरजाघर जो भी थी होगी उसका ना नेचर चेंज होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज होगा। आप होते कौन है भाई, कहां रोकेंगे? कल मैं जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद तो खोदने देंगे कोर्ट मुझे? हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। हम एक मस्जिद खो चुके हैं, अब दूसरी नहीं खोना चाहते, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। दरअसल वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने 17 मई से पहले सर्वे कराने का आदेश दिया है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भी ज्ञान वापी मामले में कूद पड़े हैं। इस मामले में ओवैसी भड़क गए। अपने एक बयान में ओवैसी ने बोला, हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोना चाहते। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला गलत है, मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सर्वे को रुकवाना चाहिए। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सजा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। और 90 ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। उस मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के इन छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट को जाकर इस वायलेशन को, जो कोर्ट के जजमेंट का हो रहा है और पार्लियामेंट के एक्ट का हो रहा है, उसको रुकाने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। ओवैसी ने ज्ञान व्यापी मस्जिद कमेटी से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। ज्ञान व्यापी मामले में बोलते हुए ओवैसी इतना भड़क गए कि भाषा पर भी काबू रख पाना शायद उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उल जलूल भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और बोले कि कल मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है तो क्या कोर्ट खोदने देगा मुझे? अरे क्या, क्या देखिए निकला नहीं निकलेगा भाड़ में जाए। 91 का एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद मंदिर गिरजाघर जो भी थी होगी उसका ना नेचर चेंज होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज होगा। आप होते कौन है भाई, कहां रोकेंगे? कल मैं जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद तो खोदने देंगे कोर्ट मुझे? हैं, कहां रुकेंगे आप? मैं बोलूंगा नहीं, उस घर के नीचे है मस्जिद मेरी, आप देंगे मुझे खोदने का? देंगे आप? मैं कहने सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करिए, बताऊंगा आपको मस्जिद है नहीं। खाने खां जहां का उसमें मॉन्यूमेंट निकलेगा, दे देंगे क्या मेरे को आप? देश इस 91 के एक्ट के तहत चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत चलेगा, किसी मस्खरों के मंचलों पर, उनकी आइडियोलॉजी पर चलेगा? ये तमाम के तमाम लोग संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और इन्हीं का तमाशा है पूरा ये। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि तैश में आकर वो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, मदरसों को लेकर भी ओवैसी ने अपनी बात रखते हुए साफ किया कि मदरसों में देश प्रेम सिखाया जाता है, हमें बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को बताएंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप हमको मत दीजिए, क्योंकि जब देश की जंग की आजादी लड़ाई जा रही थी तो संघ परिवार नहीं था उसमें। इन्हीं मदरसों से जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया था, और उन मदरसों से जिन लोगों ने जिहाद का फतवा दिया वो फांसी की सूली पर भी चढ़ गए, मगर अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर नहीं दिया। आप क्यों मदरसों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? क्या भारत के हर मदरसे में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को उनका जब सालाना फंक्शन होता है तो हर देशभक्ति की बातें की जाती हैं? उन मदरसों में देश से मोहब्बत की तमाम चीज़ों को सिखाया जाता है। अगर कोई इन मदरसों से आलिम दीन मुफ्ती बनता है तो वो देशभक्त होता है, मगर आप शक की नज़रों से उनको देखते हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए, जो भी लोग इसमें बाधा डालेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।
इसी बीच ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या कुछ राय है, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।